अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज ही मैंने जुमा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जुमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई और कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। जुमा वाले दिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम पर हक है। दूसरी बात जो है कि आज एक वाक़या पेश आया जो मैं इस पर मुक्तदियों को मुखातिब करके कहूँगा, जो हमारे मुक्तदी भाई हैं, कि पहली सफ में एक मरीज़ शख्स था और पीछे आने वाले शख्स ने, नमाज खड़ी हो चुकी थी, पीछे आखिरी सफ में खड़े होने वाले शख्स ने सारे पंखे चला दिए, चला कर उसने नमाज शुरू कर दी, तो वो जो मरीज़ आदमी था उसकी हालत इज़ार होने लगी। नमाज के बाद जो है बड़ा परेशान हुआ। तो इस कदर हमें इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमें सोचना चाहिए कि कोई बड़ी उम्र का बुज़ुर्ग भी हो सकता है और मरीज़ भी हो सकता है, किसी को पंखा अच्छा भी नहीं लगता किसी वजह से भी, हमें ये सोचना चाहिए। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए, नमाज पढ़कर फिर नमाज को बचा कर ले जाना ये चंद नमाजियों का काम है, मुक्तदियों का काम है। मुक्तदी, अच्छा मुक्तदी वो है जो अपनी नमाज पढ़े और फिर उसको बचा कर ले जाए, तो उसको समझदार कहा जाता है। अल्लाह पाक हमें नमाजों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।